ये बात कर रहे थे कि जब हम किसी भी कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 15% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला एक कंपनी का, ठीक है। अब इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आइंदा मैं एज अ डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करता हूँ, हमेशा स्पेसिफिकली जब मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कहीं भी, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया था कि यार ये जो WACC होता है ये आपके बिजनेस के कंपनी के रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कौन से रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। तो हम कहते हैं कि बिजनेस रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है और फाइनेंस रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है, सही है जी। क्या ये जरूरी है कि हर बिजनेस में दोनों, हर कंपनी में दोनों टाइप के रिस्क हो, बिजनेस रिस्क भी हो और फाइनेंस रिस्क भी हो, क्या ये जरूरी है? तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ बिजनेस रिस्क होता है, फाइनेंस रिस्क नहीं होता। तो हम कहेंगे यार ये फाइनेंस रिस्क कहाँ गया, और ऐसी कंपनी को हम क्या नाम दें? तो हम ऐसी कंपनी को नाम दे देते हैं, हम कहते हैं ये एक अनगियर्ड कंपनी, सही है, ठीक है भाई। इसको हम कह देते हैं ये एक अनगियर्ड कंपनी। तो जब भी आपके सामने ये बात आएगी कि यार ये एक अनगियर्ड कंपनी है, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये अनगियर्ड कंपनी है? एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर सिर्फ इक्विटी फाइनेंसिंग हो, ठीक है, यानी कि इक्विटी कितनी होनी चाहिए, 100% इक्विटी होनी हंड्रेड चाहिए। परसेंट तो सिमिलरली अगर एक कंपनी ऐसी है जिसके अंदर इक्विटी भी है और उस कंपनी में डेट भी है, तो वो क्या कहलाएगी? वो एक गियर्ड कंपनी कहलाएगी, सही है जी। तो WACC जो भी हमने निकाला वो हमारे रिस्क के अकॉर्डिंगली निकलता है, एग्रीड। और उस WACC को हम एज अ डिस्काउंटेड इस्तेमाल करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो क्या हम अपना एग्जिस्टिंग WACC किसी नए प्रोजेक्ट के लिए एज अ डिस्काउंटेड इस्तेमाल कर सकते हैं, टू बी यूज्ड फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, नहीं। किसी नए प्रोजेक्ट के लिए? तो इसका आंसर है यस, कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो फिर हम एग्जिस्टिंग WACC को एज अ डिस्काउंटेड नए प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंडीशंस क्या है कि जो भी नया प्रोजेक्ट हम लगाएंगे तो उससे हमारा जो बिजनेस रिस्क है विल रिमेन द सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विल नॉट चेंज। हमारा फाइनेंस रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा ऑल्टर नहीं होगा, विल नॉट चेंज, मिनिमल अफेक्ट आएगा उसके ऊपर, सही है। तो मैं ये कहूंगा कि यार जब बिजनेस रिस्क चेंज नहीं हो रहा, जब फाइनेंस रिस्क चेंज नहीं हो रहा, तो फिर WACC को ऑल्टर करने की क्या जरूरत है, यही इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन, जो नया प्रोजेक्ट है उसका साइज इज स्मॉल एज कंपेयर टू एंटिटी, यानी कि वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है कि अगर उस प्रोजेक्ट का रिस्क ऑल्टर भी होता है तो उससे हमारे एंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्वेस्टर जो होते हैं ना, ये सारी चीजें देखकर इन्वेस्टर के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब इन्वेस्टर के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टर इनडिफरेंट हो जाता है, तो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि जब रिस्क ही चेंज नहीं हो रहा तो WACC यही चलाते रहो जब तक चल रहा है, मसले वाली बात नहीं। लेकिन वॉट इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो फिर हम एग्जिस्टिंग WACC इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर नहीं हमें एक ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट। ये हमारा आज का एजेंडा है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट। तो थीम समझ में आ रही है क्यों निकालते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट? जब रिस्क प्रोफाइल चेंज होगा तो यू हैव टू चेंज योर डिस्काउंट रेट, सही। अब निकालेंगे कैसे? इतना आसान काम तो नहीं है कि हम नए रिस्क को अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर डम करें, उसको
इनिशिएट करें, किस तरीके से निकालें। तो पहले तो मैं एक ब्रीफ आइडिया देता हूं कि ऐसा किया कैसे जा सकता है। ऐसा करने के लिए कि नए रिस्क को अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इनकॉर्पोरेट करने जब हम जा रहे हैं, तो ऐसा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की हेल्प लेते हैं। अब मैं दोबारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की तरफ आता हूं कि हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल रिस्क की बेसिस के ऊपर क्या करता है, रिटर्न कैलकुलेट करके देता है, एग्रीड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। और उसके अंदर हमने तीन एलिमेंट डिस्कस किए थे। एक होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये कहां से आता है, कहां से आता है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सही है, ट्रेजरी बिल्स, वेरी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है उसको हम कंसिडर करते हैं, सही है। और तीसरी चीज हम क्या कंसिडर करते हैं, ये बीटा फैक्टर जो होता है, रिस्क ऑफ एंटिटी, सही है, क्या कंसिडर करते हैं, रिस्क ऑफ एंटिटी एज कंपेयर टू दी मार्केट एज अ होल। अब जरा थोड़ा सा कान खोल के जरा ध्यान से, बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन होने जा रही है। देखें जी, मसलन अगर मैं बात करता हूँ PSO की, HBL की, Shell की, तो उसका जो भी रिस्क प्रोफाइल है उसकी बेसिस के ऊपर या तो उसका बीटा वन से ज्यादा निकाला होगा मैंने, या फिर लेस देन वन निकाला होगा, या इक्वल टू वन निकाला होगा, करेक्ट। और ये बीटा इजीली अवेलेबल होता है, पब्लिश्ड होता है, मिल जाता है, जो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, वो बीटा वगैरह आपको निकाल के दे देते हैं। अभी उस पर नहीं जा रहे कैसे निकालते हैं, बात की बात है, लेकिन वो आपको बीटा बताते हैं। तो जैसे ही हम बीटा देखते हैं, मसलन मैंने बीटा ये देखा, कौन सा वाला, ये वाला बीटा देखा, मेरे माइंड में क्या आएगा, एनी आइडिया, सेम है, बीटा इज ग्रेटर देन वन, नहीं बीटा ग्रेटर वाला रिस्क ज्यादा है। किसका रिस्क ज्यादा है, कंपनी का, मार्केट का, कंपनी का, कंपनी ज्यादा रिस्की है तो ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देगी, एग्रीड, सही है। इसका मतलब है कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर अगर रिस्क का एलिमेंट चेंज किया जाए तो रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो जाता है। तो अगर कंपनी का रिस्क एलिमेंट चेंज होगा तो रेट ऑफ रिटर्न चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जिसने भी डिजाइन किया, उसने इस मॉडल को डिजाइन करते हुए कुछ अजम्पशंस लिए। मैं पहले ही बता चुका हूं मेरे भाइयों कि F9 के पेपर में थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सही है। और जो थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं अगर आप उसे प्रॉपरली समझ लें तो कई दफा थ्योरी स्ट्रेट आ जाती है, जैसे डिस्कस दी अजम्पशंस ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। तो इसने कुछ अजम्पशंस लिए, अजम्पशन समझते हो क्या होती है, मसलन बताओ, जिसकी बुनियाद पे इफेक्ट खड़ा है, यानी कि अगर ये चीजें ना हो तो ये मॉडल बेकार है, सही है। जैसे मैं क्लास में एग्जांपल देता हूँ यार, अजम्पशन लेके हम सारे काम कर सकते हैं। मसलन मैं एक अजम्पशन लेता हूँ, मैं अजम्पशन लेता हूँ कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल बंदा हूँ, कीपिंग इन माइंड कि दुनिया में सारे लोग मर गए, एम आई राइट, मेरी अजम्पशन ठीक है ना, अगर सब लोग दुनिया में मर जाए और मैं अकेला बचूं तो मैं तो सबसे अकलमंद हुआ ना। तो बंदा अजम्पशन लेके बहुत सारे काम चला सकता है। तो फाइनेंशियल मॉडल्स हो, इकोनॉमिक्स की थ्योरी हो, सब बेस्ड होती है अजम्पशंस के ऊपर। जैसे एक मशहूर जमाना थ्योरी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगर थोड़ी सी इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी हो तो एक बड़ी मशहूर थ्योरी है यूटिलिटी की। बिल्कुल बिल्कुल। वो थ्योरी क्या कहती है कि आप जैसे किसी चीज की कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं उसकी यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, पहले बढ़ती फिर एक टाइम आता है जीरो हो जाती है, फिर और इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज होना चली जाती है, ऐसा ही होता है ना। सही। लेकिन वो वहां पर भी अजम्पशन क्या लेता है, जैसे वेल्थ के अंदर ऐसा नहीं होता, वेल्थ जिसकी बढ़ती है वो कहता है दिल मांगे और दो और दो, करोड़ आए तो दो करोड़, मिलियंस आए तो बिलियंस, बिलियंस आए तो ट्रिलियंस, ट्रिलियंस आए तो जिलियंस, ऐसा ही होता है। बिल्कुल सर। तो थ्योरी फेल हो गई, राइट। सही। लेकिन थ्योरी फेल नहीं हुई क्योंकि थ्योरी ने कहा कि ये थ्योरी कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट, बाकी चीजों को एज्यूम किया वो अपनी जगह मौजूद है, थ्योरी वैलिड है, एग्रीड। सही। तो इसने भी कुछ अजम्पशंस ली, मैं थोड़ी सी ब्रॉडर दो तीन बड़ी अजम्पशंस डिस्कस कर रहा हूँ
पहली जो मेजर असम्पशन है वो क्या है, इन्वेस्टर के पास एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। अब आजकल के सिनेरियो में, कोरोना वायरस के सिनेरियो में, स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन के अंदर ये अजम्पशन बहुत आराम से समझ में आ सकती है। वैसे एक बंदे ने स्टॉक मार्केट देखी ना हो, कभी शेयर्स में ट्रेडिंग ना की हो, उसको ये समझना मुश्किल है कि यार ये पोर्टफोलियो क्या होता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है। लेकिन अब थोड़ा सा माइंड में आएगा क्योंकि वी नो दैट के हालात क्या चल रहे हैं। ठीक है, अब एक शख्स है, उसके पास 1 मिलियन रुपीज है। ठीक है, वो आपके पास आता है, कहता है यार आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, जरा एडवाइस तो दो कहाँ लगाऊं। आपने कहा एक काम करो यार, आजकल जो ना कोरोना वायरस आया हुआ है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ऊपर जा रही, फार्मास्यूटिकल कंपनी में लगा दो, हिल्टन फार्मा में लगा दो। सही है, सही है डिसीजन, सही, बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन क्या हुआ, अगले हफ्ते हिल्टन फार्मा कंपनी के शेयर्स की 30% वैल्यू गिर गई, बंदा तो डूब जाएगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों को एडवाइस की जाती है कि जब भी आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, सिंगल कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें। क्यों? वो कहते हैं डू नॉट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट, सुना होगा, बड़े मशहूर चीज है। ठीक है, क्योंकि टूट जाएंगे, साहब ने कहा था जी। तो वो क्या करते हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं एनालिस्ट के, भाई एक पोर्टफोलियो बनाओ। आपने कहा भाई मैंने तो यार पोर्टफोलियो पहली दफा आपके मुंह से सुना, जरा समझाएं तो सही पोर्टफोलियो होता क्या। उसने कहा मैं बताता हूँ। उसने कहा पैसे बताओ कितने लगाओगे, मैंने कहा 1 मिलियन। उसने कहा देखो PSO में इन्वेस्टमेंट करो, HBL में इन्वेस्टमेंट करो, PTCL के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, फार्मा कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, सही है कि इलेक्ट्रिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। उसने कहा भाई इसका फायदा क्या, कुछ इसमें लगाओ, कुछ इसमें लगाओ, कुछ इसमें लगाओ, कुछ इसमें लगाओ, उसमें लगाओ। ये जो इन्वेस्टमेंट तो हम डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना पैसा अपना, ये कहलाता है पोर्टफोलियो। अभी मैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे नहीं आया, ये कहलाता है पोर्टफोलियो, कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? किसी भी चीज की कलेक्शन, उसको कहते हैं। जैसे एक बंदा है, उसके पास मूवीज है हर तरह की ना, हर तरह की मूवीज देखता है, तो वो कहता है यार मेरे पास मूवीज की कलेक्शन है। मैंने कहा यार इसका एक अच्छा सा वर्ड है, आज के बाद कहना मेरे पास मूवीज का पोर्टफोलियो है। सही है, तो कलेक्शन हो गई। ठीक है, अब ये कलेक्शन पोर्टफोलियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हैं, आप रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं, और आप कह सकते हैं यार मैं रिस्क को इलिमिनेट भी करना चाहता हूँ। तो सवाल ये पैदा होगा, क्या रिस्क मिनिमाइज होगा या इलिमिनेट हो जाएगा पूरा? मिनिमाइज होगा सर, मिनिमाइज होगा। नहीं, इससे पहले मैं आपको बताऊं, दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है, इसको हम कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, लगता आर्टिकल पढ़ लिया तुमने। यस, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क और एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी कहते हैं, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है, और जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको मार्केट स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं, इसको इकोनॉमी स्पेसिफिक रिस्क भी कह सकते हैं। ठीक है, जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है वो इलिमिनेट हो सकता है, फुली इलिमिनेट हो सकता है, लेकिन जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो इलिमिनेट नहीं हो सकता। अब ये क्या बात हो रही है कि यार एक रिस्क है वो कैसे इलिमिनेट होगा, तो पहले तो जरा एग्जांपल पे बात करते हैं, अनसिस्टमेटिक की एग्जांपल ले लेते हैं। अनसिस्टमेटिक में आपके पास आ जाते हैं कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, मतलब मसलन भाई एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल HBL ना, HBL इज अ वेल नोन कंपनी। व्हाई इट्स अ वेल नोन कंपनी, क्योंकि उसका जो CEO है इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। उसकी कोरोना वायरस से डेथ हो गई, क्या इससे HBL को कोई प्रॉब्लम होगी? होगी, होगी, ऑब्वियसली होगी, इतना मशहूर डायरेक्टर, इतना मशहूर CEO चला गया, सही है। लेकिन क्या इससे PTCL को कोई नुकसान होगा? नहीं, नहीं। क्योंकि ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, सही है, राइट? सही।
किसी कंपनी की इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर, किसको नुकसान होगा? उस कंपनी को नुकसान होगा या सब कंपनीज को नुकसान होगा? कंपनी को नुकसान होगा अगर किसी की इन्वेंट्री जली. फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर की एक मेजर इन्वेंट्री का गोडाउन था, उसमें आग लग गई, यूनिलीवर को नुकसान होगा ना, सही है? तो ये कहलाते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क. अब एक होती है क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक रिस्क या मार्केट रिस्क. सिस्टमेटिक रिस्क की एग्जाम्पल वो रिस्क जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से क्रिएट होते हैं. इन्फ्लेशन हो गई जी, बिल्कुल. मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जो इकोनॉमी एज अ होल को हिट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन का बढ़ना इज अ रिस्क, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना इज अ रिस्क, सही है? टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट का बढ़ना इज अ रिस्क, एक्सचेंज रेट का आगे पीछे होना इज अ रिस्क. और आजकल ग्लोबली एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रॉप अप हो रहा है, और वो हो रहा है ग्लोबल रिसेशन. कोरोना वायरस तो आना था, आ गया ग्लोबल रिसेशन. 1930s के अंदर दुनिया में डिप्रेशन आया था, आज तक ऐसा डिप्रेशन नहीं आया दोबारा 1930s के अंदर. और अब सुनने में ये आ रहा है कि 2020-2021 वुड बी अ टफेस्ट ईयर फॉर द होल ग्लोब इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए. और शायद मे बी अगर ये लंबा चलता है तो ये 1930 को भुला देगा दुनिया को, सही है? रिसेशन में और डिप्रेशन में क्या फर्क होता है, सुना है कभी? रिसेशन और डिप्रेशन. डिप्रेशन में तो ये होता है बंदे ज़हनी तनाव लेता है. इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का डिप्रेशन में, इंसान का डिप्रेशन नहीं, इकोनॉमिक्स है. अच्छा, जब रिसेशन, जब रिसेशन एक्सट्रीम फॉर्म में चला जाए ना, पैथेटिक वे में चला जाए, और ग्लोबली रिसेशन चल जाए, तो हम उसको कहते हैं डिप्रेशन. क्योंकि रिसेशन कुछ अरसे के अंदर रिवर्स हो जाता है, डिप्रेशन सालों तक रिवर्स नहीं होता. And this is a reason why kuch countries ke andar, because of that recession element or the expectation of recession, interest rate 0% chal rahe. Kuch countries ke andar. Sahi? Achha, ab main ye, dekhen, concept kahan se nikla? Diversified portfolio. To jis bande ne aapko diversified portfolio ki advice di, aapne usse poochha ke yaar ye kyun bata rahe ho? Usne kaha, dekho bhai, nuksan, nafa chalta rehta hai saath, main tumhe isliye advice de raha hu ki agar फॉर एग्जाम्पल PSO को नुकसान हुआ, HBL को नुकसान हुआ, तो एटलीस्ट फार्मा को तो फायदा होगा ना भाई, के इलेक्ट्रिक को तो फायदा होगा. आजकल सब घर में बैठे हैं, इंटरनेट बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉल्स पे बात कर रहे हैं, PTCL को फायदा होगा. तो एक कंपनी को अगर नुकसान होगा तो दूसरी कंपनी का फायदा एक दूसरे को क्या कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे. एग्रीड? कंपनी डिप्रेशन में नहीं चलेगा. कौन सा रिस्क ऑफसेट होगा? कौन सा रिस्क ऑफसेट होगा? उसने कहा कौन सा रिस्क ऑफसेट होगा? वो रिस्क ऑफसेट होगा जो कंपनी स्पेसिफिक है. कौन सा वाला? अनसिस्टमैटिक. अनसिस्टमैटिक रिस्क इलिमिनेट हो जाएगा, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क इलिमिनेट हो जाएगा. ये हमने क्या ली हुई है? ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ने अजम्पशन ली हुई है कि अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उससे अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा. आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये काफी डिसेंट अजम्पशन है. क्योंकि नॉर्मली इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बनाकर पैसा इन्वेस्ट करता है. हाँ, इस पे मैं सवाल या निशान क्रिएट करता हूँ कि यार वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की डेफिनेशन वेरी करती है. वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की डेफिनेशन वेरी करती है कि कितनी कंपनीज में पैसा लगाएं कि वो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. तो 15-25 डिफरेंट कंपनीज में अगर आप पैसा लगाएंगे तो वो जाकर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की डेफिनेशन में आएगा. और अगर एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा तो अनसिस्टमेटिक रिस्क जीरो हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऑफसेटिंग हो जाएगी. सही सवाल ये पैदा होता है. एक सवाल जी भाई पूछे. सर एक सवाल मेरा ये है, सॉरी बात काटने के, सर ये बताए कि अगर जैसे कि एक सेक्टर डाउन होता है, मिसाल है जैसे टेक्सटाइल सेक्टर हमारा डाउन है, सही है, तो उसका रिस्क क्या कहलाएगा? वो भी अनसिस्टमेटिक में फॉल करेगा जैसे बाकी सेक्टर से ही जा रही है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वो डाउन हो गया किसी भी रीजन से. बिल्कुल अनसिस्टमेटिक, तो ये भी अनसिस्टमेटिक में कैटेगरी है. बिल्कुल ठीक है. क्योंकि अगर देखो टेक्सटाइल डाउन चल रहा है तो ऑयल अच्छा चल रहा होगा, बैंक अच्छा चल रहा होगा, सही है? तो जब मैं ये बात कह रहा हूं, PSO डाउन हुआ, तो PSO का मतलब ऑयल सेक्टर की बात कर रहा हूं.
और जब मैं कह रहा हूँ HBL अप हुआ तो मैं कह रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर अप हुआ ना, क्योंकि तुमने नोट किया होगा जब एक सेक्टर अच्छा चलता है तो उस सेक्टर की हर कंपनी मेजोरिटी कंपनी अच्छी चल रही होती है। सही है, नॉर्मली वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक अफेक्ट आता है। सवाल ये पैदा होता है क्या सिस्टमेटिक रिस्क इलिमिनेट नहीं हो सकता? ओवरऑल और मार्केट में कैसे लिमिट करोगे? तो हम कहेंगे क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड है, हर कंपनी को हिट करेगा, किसी को कम करेगा, किसी को ज्यादा करेगा, तो आप इसे इलिमिनेट नहीं कर सकते। आप इसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या 200 कंपनीज में भी पैसा लगा देना तो ये रिस्क इलिमिनेट नहीं हो सकता, ये आपको बियर करना पड़ेगा। सही, अब देखो ये जो मैंने आधे घंटे से डिस्कशन की है ना, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कल आपको एग्जाम में कहता ना सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में लिखो, तो अब आपको जरूरत ही नहीं है यार, पेन उठाओ और लिखना शुरू करो जो बातें मैंने बताई। ये भी तो हो सकता है कि मार्केट मार्केट स्पेसिफिक रिस्क जो होता है वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को अफेक्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन वो तो सबको ही करेगा ना, एक कंपनी को कोई करेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो सबको नुकसान होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो सबको नुकसान होगा, लेकिन इंटेंसिटी नुकसान की छोटी कंपनीज पे ज्यादा अफेक्ट डालती है और बड़ी कंपनीज पे कम अफेक्ट डालती है। ये बात मैं कह रहा हूँ, इक्वल अफेक्ट नहीं होता सबका, ये बात ध्यान में रखना। सही है, ठीक है। अच्छा, अब इस अजम्पशन की इम्प्लीकेशन क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में जब हम ये इक्वेशन लगाते ना ये वाली, तो इसमें हमारी बिल्टन अजम्पशन क्या है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या हो चुका है, इलिमिनेट हो चुका है, तो बाकी कौन सा बचा? सिस्टमेटिक रिस्क। तो हम कहते हैं इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन ओनली विच काइंड ऑफ रिस्क? सिस्टमेटिक। सही है, सिस्टमेटिक रिस्क। तो इन्वेस्टर जो हमसे रिटर्न डिमांड कर रहा है वो किसके अगेंस्ट डिमांड कर रहा है? सिस्टमेटिक रिस्क। एंड बीटा रिफ्लेक्ट सिस्टमेटिक रिस्क। ये मैं ट्रैक पे लाने के लिए तुम्हें मैंने यहाँ पहुंचाया है कि बीटा क्या बताता है, बीटा कौन सा रिस्क बताता है, बीटा सिस्टमेटिक रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। सही है जी, ठीक है। अच्छा, ये जो सिस्टमेटिक रिस्क है बीटा का, ये दो चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, ये आपके इक्विटी के रिस्क को भी रिफ्लेक्ट करता है और ये आपके डेट के रिस्क को भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि कंपनीज की जिस तरह से इक्विटी ट्रेड होती है उस तरह से कंपनी की डेट भी ट्रेड होती है। तो जिस तरह से इक्विटी का रिस्क होता है उस तरह से डेट का भी रिस्क होता है, लेकिन जो डेट का रिस्क होता है वो बहुत नॉमिनल होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। इतना नॉमिनल होता है कि अगर आप उसको इग्नोर भी कर देना तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बात आगे काम आएगी, जरा ध्यान में रखना। सो कंपनी का जो बीटा है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का आपको बीटा मिला 1.40, तो हम कहते हैं कि ये कंपनी का जो बीटा है ये कहलाता है गियर्ड बीटा। व्हाई इट्स कॉल्ड गियर्ड बीटा, इसको गियर्ड बीटा क्यों कह रहा हूं मैं? दोनों रिस्क आ रहे, इक्विटी और डेट। क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी का बीटा है जिसमें इक्विटी भी है और उसमें डेट भी है। फॉर एग्जाम्पल ये ले, ये एक ऐसी कंपनी का बीटा है जिसमें इक्विटी भी है और डेट भी है। अब मैंने आपको एक कंपनी का बीटा दिया और वो कंपनी का बीटा आ रहा है 0.8 और उस कंपनी में इक्विटी है 100%। आप कहेंगे सर ये तो डेट तो चला गया, तो मैंने कहा भाई इक्विटी तो बाकी बची हुई है ना, इक्विटी का रिस्क तो मौजूद है, तो ऐसी कंपनी को मैं क्या कहूंगा, इसके बीटा को मैं क्या नाम दूंगा, इसके बीटा को मैं नाम दूंगा अनगियर्ड बीटा और Also called asset beta। ये terminology इस्तेमाल होती है, asset beta और equity beta की terminology इस्तेमाल होती है। तो terminology जो आप ये इस्तेमाल करेंगे ना, asset और equity beta, तो ये confuse करती है terminology। आप कौन सी terminology इस्तेमाल करेंगे, geared beta और ungeared beta? ये concept clear है, geared beta क्या होता है और ungeared beta क्या होता है? सही है। तो जिस कंपनी में डेट फाइनेंसिंग मौजूद होगा उसके बीटा को मैं कहूंगा गियर्ड बीटा, और जिस कंपनी में डेट फाइनेंसिंग नहीं होगी उसके बीटा को मैं क्या कहूंगा, अनगियर्ड बीटा। सही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, एग्री करते हो, ये हमेशा इससे ज्यादा होगा, गियर्ड बीटा अनगियर्ड बीटा से ज्यादा होगा, एग्रीड?
क्यों? क्योंकि उसमें दोनों है, उसमें फाइनेंस डेट भी लिया हुआ, इक्विटी भी ली हुई है, क्योंकि गियर्ड बीटा में बिजनेस रिस्क भी शामिल है और फाइनेंस रिस्क भी शामिल है। और अनगियर्ड बीटा में कौन सा रिस्क शामिल है? बिजनेस रिस्क शामिल है। तो जब रिस्क कम होगा तो रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, सही है। अब यहां तक हमारी कहानी पहुंच गई कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में जब भी हम बीटा को कंसीडर करते हैं तो वो बीटा कौन सा बीटा होता है? इट माइट बी, इट इज अ सिस्टमेटिक बीटा, और इट माइट अ गियर्ड बीटा, और इट माइट बी एन अनगियर्ड बीटा। वो हमें सवाल के अंदर पता लग जाएगा, सही है। तो अभी मैंने सिर्फ एक एक अजम्पशन एक्सप्लोर की है और उस अजम्पशन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं, इन चीजों को माइंड में रखो, और अब हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट। इस पे सवाल आ सकता है पूरा। पूरी थीम मैंने बता दी कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट क्यों निकालते हैं और बीटा की कहानी किया, सारी कहानी किया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक कंपनी ए, सही है, और वो कंपनी है फॉर एग्जाम्पल ऑयल सेक्टर के अंदर, ऑयल सेक्टर की एक कंपनी है, कंपनी ए। ठीक है, उसके पास इक्विटी भी है, उसके पास डेट भी है, इक्विटी 60 है, डेट 40 है, और उसका बीटा आपको दिया हुआ है, उसका बीटा है 1.15। ठीक है, ये कंपनी, इस कंपनी का जो एग्जिस्टिंग वैक है वो वैक चल रहा है 10%। ये कंपनी जाती है, ये कंपनी एक नया प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, लेकिन वो एक न्यू वेंचर है और एक डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर है, सही है। तो क्या उस नए प्रोजेक्ट के लिए जब हमें डिस्काउंट रेट की जरूरत पड़ेगी तो क्या मैं ये एग्जिस्टिंग WACC यूज कर सकता हूँ? तो कंडीशन मीट करनी चाहिए ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि नया, नई इंडस्ट्री में जा रही है, नई इंडस्ट्री में जा रही होगी, बिजनेस रिस्क तो चेंज होगा ना, बिजनेस रिस्क तो डिफरेंट होगा, सही है। मैंने लास्ट क्लास जब वहाँ ली थी ताबानीज में, पिछले सेशन में, तो मुझे याद पड़ता है, याद आया मुझे ये लेक्चर। तो मैं उस वक्त एग्जाम्पल ये दे रहा था कि ताबानीज जो है ना एजुकेशन सेक्टर में, ताबानीज ने डिसाइड किया हम फास्ट फूड सेक्टर में चले जाते हैं, तो अब फास्ट फूड सेक्टर का जो रिस्क है वो एजुकेशन के सेक्टर के रिस्क के बराबर तो नहीं होगा। नहीं, तो इसका मतलब है ताबानीज का जो एग्जिस्टिंग WACC होगा वो हर जगह तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर वो फूड सेक्टर के अंदर जा रहे हैं तो दे हैव टू क्रिएट अ न्यू WACC ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क ऑफ द फूड सेक्टर, सही है। अब मसला ये है कि हमारा जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है उसके अंदर जो बिजनेस रिस्क का एलिमेंट मौजूद है, वो बिजनेस रिस्क का एलिमेंट जो यहाँ मौजूद है 1.15 में, वो किस सेक्टर का है? ऑयल सेक्टर का। और हमें चाहिए किसका? हमें चाहिए किसी और सेक्टर का, फॉर एग्जांपल मैं फूड सेक्टर का ले लेता हूँ। तो अब मैं कैसे मैं बीटा कहाँ से लेकर आऊँ? अगर मुझे नया WACC निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो मुझे तो बीटा चाहिए, बीटा कहाँ से लेकर आऊँ? तो उसका एक तरीका है, उसका एक तरीका है, पहले वो तरीका समझो फिर डिस्कशन को। उसका तरीका क्या है? देखें, हम उस सेक्टर के अंदर प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉक्सी कंपनीज या प्रॉक्सी कंपनीज आइडेंटिफाई करेंगे कहां पर, किस सेक्टर में? फूड सेक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने फूड सेक्टर के अंदर एक कंपनी फाइंड आउट की जो के हमारे प्रोजेक्ट के रिस्क प्रोफाइल को मीट कर रही है, कंपनी एक्स। उस कंपनी एक्स के पास इक्विटी भी है, डेट भी है, इक्विटी है 50% और डेट है 50%, और उस कंपनी का बीटा फैक्टर है 1.08। हमारा बीटा फैक्टर कितना था? 1.15। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालता हूं तो क्या मैं 1.15 इस्तेमाल कर सकता हूं फूड सेक्टर के लिए? नहीं कर सकता। क्या मैं 1.08 इस्तेमाल कर सकता हूं?
नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों? ये इसकी इस कंपनी का है ना, इसके लिए हमारे लिए डिफरेंट होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंस रिस्क है इस कंपनी का और बिजनेस रिस्क है फूड सेक्टर का। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ फाइनेंस रिस्क लेना है, मुझे उसका फाइनेंस रिस्क नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ बिजनेस रिस्क चाहिए। इसका मतलब है ये बीटा भी बेकार है 1.08 वाला, सही है? तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई की, उसका बीटा आइडेंटिफाई किया और उसके बीटा को लेकर जो दूसरा काम करूंगा ना, वो क्या करूंगा, उसका जो गियर्ड बीटा है उसको मैं कन्वर्ट करके क्या बना दूंगा, अनगियर्ड बीटा बना दूंगा। क्या कर रहा हूँ, प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई की, उसका बीटा आइडेंटिफाई किया और उसके बीटा को क्या कर दिया, उसके बीटा को अनगियर्ड कर दिया। क्या फायदा हुआ अनगियर्ड करने का? ये काम किया तो बीटा जो है वो बन गया 0.75। क्या ये बीटा इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं? नहीं, ये भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर बिजनेस रिस्क तो है, फाइनेंस रिस्क तो नहीं है। तो मैं इस बीटा को दोबारा क्या करूंगा, रीगियर्ड करूंगा, और रीगियर्ड करके जो मैंने बीटा निकाला वो बीटा आ गया, अल्लाह आपका भला करे, वो बीटा आ गया आपका 1.05। ये है एडजस्टेड बीटा। ऐसा नहीं कर सकते 0.75 को यूज कर देते अनगेट पे और दूसरे वाले को भी अनगेट कर देते? नहीं, 1.15 को नहीं। तरीका क्या है, प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे, उसका बीटा लेंगे, अगर वो गियर्ड बीटा है उसको अनगियर्ड करेंगे और दोबारा उसको रीगियर्ड करेंगे, किसकी, किसके फाइनेंस रिस्क से, हम अपना फाइनेंस रिस्क डालेंगे। अच्छा, अपना फाइनेंस रिस्क डालेंगे, हमारा अलग अलग नहीं करेंगे। जी जी जी, हमें जो प्रोसेस है ना वो प्रोसेस फॉलो करना है कि किस तरीके से हम नए प्रोजेक्ट के रिस्क को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, बिजनेस रिस्क को, और फाइनेंस रिस्क अपना रखेंगे और नया बिजनेस रिस्क जो है उसके अंदर डाल देंगे, तो एक नया बीटा आ जाएगा हमारे पास। फिर जो हमारे पास एडजस्टेड बीटा आएगा ना, ये एडजस्टेड बीटा डालेंगे इस इक्वेशन के अंदर, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ, कौन सा बीटा, एडजस्टेड बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, क्योंकि डीवीएम के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी मौजूद नहीं है कि आप डिफरेंट रिस्क को इनकॉर्पोरेट कर सकें, लेकिन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि अगर रिस्क प्रोफाइल चेंज होता है तो आप बीटा को एडजस्ट करें, आपके पास एक नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू रिस्क। सही है, दोबारा सुन लो, पहला काम क्या करेंगे, प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे, बच्चों का काम नहीं है, मुश्किल काम है, प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे, उसका बीटा लेंगे, उसको अनगियर्ड करेंगे, फिर उसको दोबारा रीगियर्ड करेंगे और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल लगाकर कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करेंगे। अब ये रीगियर्ड करना और अनगियर्ड करना, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला थोड़ी देर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जामिनर के आर्टिकल के ऊपर लेके चलता हूँ। एग्जामिनर का एक बहुत अफेक्टिव आर्टिकल है, मैंने शेयर भी किया था, थोड़ी बहुत चीजें हम उसमें से डिस्कस करते हैं ताकि थ्योरी हमारी थोड़ी सी और जानदार हो जाए और थ्योरी हमारी पक्की थ्योरी हो जाए, लेकिन बाद में वो आर्टिकल तुम लोग पढ़ोगे खुद ना, लाइन बाय लाइन आर्टिकल पढ़ोगे, बहुत अफेक्टिव है। और वो आर्टिकल अगर आपने पढ़ लिया तो आपको बुक से प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंटेड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये आर्टिकल नजर आ रहा है तुम्हारे सामने, नजर आ रहा है आर्टिकल? जी सर। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट, वेरी वेरी गुड आर्टिकल। अब मैं जरा इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आर्टिकल्स को लाइन बाय लाइन इसलिए डिस्कस करूँ कि स्टूडेंट पे छोड़ता हूँ तो नहीं पढ़ते। जब मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस करता हूँ तो हम री इम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि यार थ्योरी रट जाए स्टूडेंट को, कॉन्सेप्ट रट जाए, और जब एग्जाम में उससे पूछा जाए डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, तो यार उसको क्लास की कोई तो कोई बात याद होगी ना, कुछ तो लिख कर आएगा, दो नंबर तो लेगा, एक तो लेगा कम से कम, सही है? चले मूव ऑन। देखें जी, ये कह रहा है
कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ रिस्क. एग्रीड? सही. ये डिफाइन कर दिया उसने कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक ऐसा मेथड है जो कि रेट ऑफ रिटर्न निकाल के देता है असेसमेंट ऑफ रिस्क की बेसिस के ऊपर. ठीक है. व्हेन द बिजनेस रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट डिफर्स फ्रॉम द बिजनेस रिस्क ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी द रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन द इन्वेस्टिंग कंपनीज एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशन. या ये समझ लें कि आप PSO एक नई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो PSO का जो रिस्क होगा वो नई इंडस्ट्री में जाने की वजह से ऑल्टर करना पड़ेगा. ठीक है. दैट मीन्स इट इज नॉट सूटेबल टू यूज द इन्वेस्टिंग कंपनीज एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज द डिस्काउंट रेट फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट. अब क्या करें, वॉट टू डू? इनस्टेड The capital asset pricing model can be used to calculate a project-specific discount rate reflecting the business risk of the investment project. अब जो मैंने अभी आधे घंटे से जो मैं तकरीर कर रहा था ना, तकरीर अब तुम्हें समझ आई होगी कि अल्टीमेट हम करना क्या चाह रहे हैं. सही है? मतलब finance risk same रहेगा, business risk हम लोग reflect करेंगे. हाँ, finance risk को तो enter करने का कोई मसला ही नहीं है ना यार. Finance risk का तो कोई मसला ही नहीं है. अगर मैं डेट ऊपर नीचे भी कर दूंगा तो मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ. मसला है बिजनेस रिस्क. सही है? सही. अच्छा जी, आगे बढ़े. अब देखें करेंगे क्या. तो हमारे पास इस आर्टिकल के अंदर ना कुछ स्टेप्स लिखे हैं. पहले मैं उस स्टेप्स पे चलता हूँ और फिर आर्टिकल डिस्कस करेंगे. ये बड़ा काम का याद रखने के लिए. ये देखें, ये आपको ये स्टेप्स लिखे हैं. समरी क्या है? पहला काम क्या करेंगे? Suitable proxy ढूंढनी है. लोकेट सुटेबल प्रॉक्सी कंपनी. यार इतना आसान काम नहीं है ढूंढना, लेकिन थ्योरेटिकली मिल जाती है. उसका इक्विटी बीटा डिटरमाइन करेंगे, उसकी गियरिंग फाइंड आउट करेंगे, उसके टैक्स रेट फाइंड आउट करेंगे. सही है? इक्विटी बीटा का मतलब है गियर्ड बीटा, राइट? फिर क्या करेंगे? फिर उसको अनगियर्ड करके एसेट बीटा बना देंगे, अनगियर्ड बीटा बना देंगे. फिर क्या करेंगे? एवरेज क्यों कर रहे हैं? एवरेज क्यों कर रहे हैं? अगर एक से ज्यादा प्रॉक्सी कंपनी हुई तो एवरेज करेंगे, अगर एक ही प्रॉक्सी कंपनी हुई तो फिर ये चौथे स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है? एक ही कंपनी हुई तो नहीं करेंगे एवरेज. एक ही, हाँ, एक ही कंपनी हुई तो एवरेज क्यों करेंगे? अगर तीन कंपनीज मैंने आइडेंटिफाई कर ली फूड सेक्टर के अंदर, तो तीन का पहले मैंने क्या निकालना है? एसेट बीटा निकालना है, फिर उसका सिंपल एवरेज निकाल लूंगा. सही है? सही. फिर जब उसका एसेट बीटा आएगा तो अपना फाइनेंस रिस्क डाल के उसको क्या कर दूंगा? रीगियर्ड कर दूंगा. और फिर क्या करूंगा? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के जरिए क्या निकालूंगा? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ये स्टेप्स आपको याद हो जाने चाहिए बड़े आराम से. ठीक है? अब ये प्रॉक्सी वाली जो कहानियां हैं ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं. देखते हैं इसका तरीका क्या होगा. The first step is to calculate a project specific discount rate is to obtain information on companies with business operation similar to those of the proposed investment project. For example, if a food processing company was looking at an investment in a coal mining company, it would need to obtain information on some coal mining companies. These companies are referred to as a proxy company. Since their equity betas represent the business risk of the proxy company business operation, they are referred to as proxy equity betas or proxy betas. Sahi hai? Proxy company ke beta ko kya kahenge? Proxy betas, geared betas. Phir kya karenge? From a capital asset point of view, these proxy betas can be used to represent the business risk of the proposed investment project. For example, the proxy betas from several coal mining companies ought to represent the business risk of an investment in coal mining company. Coal mining. जब आप coal mining companies का beta उठाएंगे तो वो coal mining का ही risk reflect कर रहा होगा ना, business risk. ठीक है? Food वाले का तो नहीं कर रहा होगा. अब क्या करेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट.
आपने तीन कोल माइनिंग कंपनीज का बिजनेस रिस्क सर्च का प्रॉक्सी कंपनी का बीटा उठाया, क्या वो तीनों बराबर होगा बीटा? नहीं, क्यों बराबर नहीं होगा? बिजनेस और फाइनेंस इसी वजह सेपरेट होगा, क्योंकि फाइनेंस रिस्क तीनों का अलग अलग हो सकता है, सही है? और अगर 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 तीनों का फाइनेंस रिस्क सेम भी कर दूं, क्या तब भी बीटा बराबर होगा? नहीं, क्यों सर? ये हो सकता है ना, डेट और डेट और इक्विटी का डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं। नहीं ना, मैंने फाइनेंस रिस्क बराबर कर दिया, मैंने फाइनेंस रिस्क बराबर कर दिया, सबकी डेट इक्विटी 50-50 है, अब बराबर होगा? नहीं बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, क्योंकि HBL और समिट बैंक कैसे बराबर हो सकता है आपस में? वही ना, बहुत सारे होंगे ना इंटरनल मैटर्स होते हैं कंपनी के, एक जो डिफरेंस है ना, एक ही इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपनीज का बिजनेस रिस्क भी डिफरेंट हो सकता है, साइज ऑफ द बिजनेस फॉर एग्जांपल, एक के पास ब्रांड मौजूद है, दूसरे के पास ब्रांड मौजूद नहीं है, साइज ऑफ द बिजनेस की वजह से भी फर्क पड़ता है। लेकिन हम सिंपलीफाइड अजम्पशन ले लेते हैं कि प्रॉक्सी कंपनीज का जो बीटा वेरी कर रहा है ना, वो फाइनेंस रिस्क की वजह से कर रहा है। एग्रीड? आगे बढ़ू? If you were to look at the equity betas of the several coal mining companies, however, it is very unlikely that they would all have the same value. The reason for this is that equity beta reflects not only the business risk, but also the financial risk of the company. Therefore, the risk represented by equity betas includes both business risk and financial risk. तो हमने अभी डिसाइड किया है कि हमारा काम क्या है, हम फाइनेंशियल रिस्क को हटा देंगे। जब हम फाइनेंशियल रिस्क को हटाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका बीटा अनगियर्ड हो जाएगा और उसके अंदर सिर्फ क्या चीज रह जाएगी, उसके अंदर सिर्फ इक्विटी रह जाएगी, सही है? कैसे हटाएं भाई, कैसे हटाएं? उसके लिए आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला दिया जाएगा, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना, याद हो जाएगा लेकिन याद नहीं करना। अब ये फॉर्मूला समझे जरा ना, ये फॉर्मूला समझे और एक चीज जरा नोट करें, दो फॉर्मूले दिए, एक ये दिया हुआ है एक ये दिया हुआ है, जरा इसमें फर्क समझे, दोनों फॉर्मूले में कोई फर्क नजर आ रहा है? यस सर। एक आधा फॉर्मूला है, एक पूरा फॉर्मूला है, एक बड़ा फॉर्मूला और एक थोड़ा सिंप्लीफाइड किस्म का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूले के दो कॉम्पोनेंट है, एक फॉर्मूले का सिर्फ एक कॉम्पोनेंट है। इसका चक्कर समझाता हूँ मैं, क्यों ऐसा किया हमने कि फॉर्मूला सिंप्लीफाइड कैसे हो जाता है, ठीक है? अब इस फॉर्मूले के जो वेरिएबल्स हैं, अगर आप उन वेरिएबल्स को देखें तो एक तरफ दिया हुआ है बीटा ए, एसेट बीटा, एक तरफ दिया हुआ है बीटा के आगे ई लिखा हुआ है इक्विटी बीटा, वीई लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इक्विटी, वीडी लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ डेट, और टी लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं टैक्स रेट, सही है? और बीडी लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं डेट बीटा। ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमें एसिड बीटा को इक्विटी बीटा को एसिड बीटा में कन्वर्ट करना है तो हमें ये फॉर्मूला दिया जा रहा है जिसके अंदर तीन बीटास दिए हुए, एक एसिड बीटा दिया हुआ है, एक इक्विटी बीटा दिया हुआ है, एक डेट बीटा दिया हुआ है। अब ये डेट बीटा क्या है, सही? देखें, ये जो डेट बीटा है ना, ये डेट बीटा गियर्ड कंपनी की डेट के रिस्क को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये जो इक्विटी बीटा है ये गियर्ड कंपनी के इक्विटी के रिस्क को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सही है? ठीक है, अब एक बात सुने, मैं एक अजम्पशन ले लेता हूं यार, बड़ी सिंपलीफाइड अजम्पशन ले लेता हूं कि जो डेट बीटा है ना उसको मैं जीरो एज्यूम कर लेता हूं, हजम कर लो थोड़ी देर के लिए ये अजम्पशन, कर लो हजम, हो गई हजम। डेट बीटा को मैंने क्या एज्यूम किया, जीरो। तो इस फॉर्मूले में जब डेट बीटा को मैं जीरो डालूंगा तो प्लस के बाद वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, पूरा जीरो, जीरो। तो फॉर्मूला सिंपलीफाई होके क्या बना, एक ही बीटा बन गया, ये वाला बी है, एसेट बीटा, इक्विटी बीटा, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट और टैक्स, हो गया सिंपलीफाइड। तब बाद में बात करेंगे कि डेट बीटा को जीरो क्यों, जिसके जिसके बैकग्राउंड पे नॉइज है ना, जरा वो अपना माइक म्यूट करते हैं अगर आपको, सही है? और जब आपको बोलना हो ना तो आप फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है? मैंने माइक सबके ऑन किए हुए, बंद नहीं किए, खुद से भी आप ऑन कर सकते,
ओके सर, ताकि हमारे रिकॉर्डिंग में गड़बड़ ना। चले जी, यहाँ तक हम पहुंच गए, सही है। टू प्रोसीड फर्दर विद द कैलकुलेशन, इट इज नेसेसरी टू रिमूव द अफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क और गियरिंग फ्रॉम ईच ऑफ द प्रॉक्सी इक्विटी बीटास इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू एसेट बीटा विच आर बीटा दैट रिफ्लेक्ट्स बिजनेस रिस्क अलोन। इफ अ कंपनी हैज नो गियरिंग and hence no financial risk, its equity beta and its asset beta are identical. ये बड़ी important बात है। मैं एक बात समझ में नहीं आई। बोले बोले बोलो। यार वॉइस म्यूट नहीं करवाई जिसको भी मैंने कहा था ना, मीटिंग बीच वाली हमारी डिस्कशन उड़ गई। चलो खैर है, तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मेमोरी कट बताता हूं तुम्हें, कि जब मैंने F9 का पेपर दिया था ना, तो उस जमाने में इस तरह का एक टेक्निकल आर्टिकल आया हुआ था। एक टॉपिक है हमारा आगे जाके आएगा स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, तो उसका एक टेक्निकल आर्टिकल आया हुआ था। तो टेक्निकल आर्टिकल्स जब आते हैं ना पास पेपर में, तो बाद दफा एग्जामिनर पूछ लेता, सही है। सो मैं और मेरा दोस्त पेपर देने जा रहे थे, मैंने उससे कहा कि यार एक टेक्निकल आर्टिकल आया हुआ है, मुझे जरा खुशबू आ रही है, कैसा ना एग्जामिनर पूछ ले। पढ़ा? उसने कहा मैंने तो नहीं पढ़ा। मैंने कहा पढ़ लेते हैं, पेपर में जाने से 3-4 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसने कहा यार छोड़ नहीं आएगा। मैंने कहा पढ़ लेते हैं। मैंने पढ़ लिया। पढ़ के जैसे ही पेपर में पहुंचा, 15 नंबर का सवाल स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी के ऊपर। तो बाज दफा आप कोई चीज पढ़ के जा रहे होते हैं ना, बाज दफा आपकी किस्मत अच्छी होती है, जो पढ़ के जा रहे होते हैं वो पेपर में आ जाते हैं, या जिसको अच्छा पढ़ा हुआ होता है वो पेपर में आ जाता है। बाज दफा बुराई होती है, जो चीज मुश्किल लग रही थी आपने टीचर्स ने समझाई, आपको नहीं समझ में आई, आपने भी नहीं समझी, पेपर में आ गया 15 नंबर का सवाल, फंस गए। इसको कहते हैं किस्मत। ये तो लक है ना सर। इसी को किस्मत कहते हैं ना भाई, इसी को तो किस्मत कहते हैं। F5 के एग्जाम आर्टिकल कहां से मिलेंगे? F5 की ACC की वेबसाइट पे पढ़े हुए F5 के आर्टिकल। गूगल पे डालो F5 टेक्निकल आर्टिकल्स, वो डायरेक्ट पेज खोल देगा, वहां से ले लेना। अच्छा जी, मैं क्लासेस वगैरह फिजिकल क्लासेस नहीं होगी, मतलब कोरोना वायरस तो काफी खत्म होने लग गया है कराची में। कोरोना वायरस तो अब शुरू हुआ है भाई, कहां खत्म हो गया? 440 केसेस आ गए भाई। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो इब्तदाई इश्क है, कहां से खत्म हुआ? एक हफ्ता और तो पता चल जाएगा। और क्या, ये तो 20-25 हजार तक की कहानी जाने वाली है भाई। अभी भी आवाम कंट्रोल नहीं, भी घूम रही है बाहर। ये सबर करो, पता चलेगा। ये कोई गलत चैनल देख कर आया, पता नहीं कौन सा देख रहा है। 440 केसेस। चलो अल्लाह खैर करेगा, हम तो चाहते हैं यार अगले हफ्ते खत्म हो जाए, अगले हफ्ते फिजिकल क्लासेस ले लें, हम तो चाहते हैं। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है ना। चले जी, अ कंपनी दैट इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट दैट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशन। क्या लिखा हुआ है? हम एक ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है, और जो कंपनी हमारे पास है उसको हमने, कंपनी में हमारी फाइनेंसिंग कितनी है? 30% डेट और 70% इक्विटी। ये हमारी कंपनी के हालात बता रहा हूँ, ठीक है। हमने 3 कंपनीज आइडेंटिफाइंग की जिसका बिजनेस ऑपरेशन सिमिलर है प्रपोज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और दीज कंपनीज आर एज फॉलोस। 3 प्रॉक्सी कंपनीज आइडेंटिफाई की। कौन सी कंपनीज? 3 प्रॉक्सी कंपनीज। प्रॉक्सी, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी, ठीक है। ए का इक्विटी बीटा कितना है? 0.81। ए के पास डेट कितना है? 25%। इक्विटी कितनी है? 75%, सही है, इसका फाइनेंशियल रिस्क कम है। बी के पास इक्विटी बीटा कितना है? 0.98, सही है, और 60-40 का रेशो है। सी के पास इक्विटी बीटा और 50-50 का रेशो है। तुम देखो, जिसके पास डेट ज्यादा है ना, उसका बीटा भी ज्यादा है, एम आई राइट?
बिल्कुल 1.6 है। ऐसा क्यों है यार, जिसके पास डेट ज्यादा है उसका बीटा ज्यादा है, वही रिस्क है ना, शेयर होल्डर रिटर्न ज्यादा मांगता है। क्योंकि बीटा रिफ्लेक्ट्स बोथ बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंस रिस्क, जितना फाइनेंस रिस्क ज्यादा होगा उतना बीटा ज्यादा होगा, ये तो अंडरस्टूड बात है ना। ठीक है, अच्छा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 4%। इक्विटी का रिस्क प्रीमियम कितना है, 6%। कंपनी का टैक्स कितना है, 30%। कैलकुलेट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट फॉर द प्रपोज इन्वेस्टमेंट, क्या निकालना है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट निकालना है। 3 प्रॉक्सी कंपनीज दी हुई हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं एक अलग विंडो में ले जाकर कि कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस जो भी हमने अब तक डिस्कशन की। चले जी, पहला काम क्या किया मैंने, प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई। प्रॉक्सी कंपनी तो 3 है ना मेरे पास। अब प्रॉक्सी कंपनी क्योंकि मेरे पास 3 है तो मैं प्रॉक्सी कंपनी का डेटा लेकर 1 by 1 एक को अनगेयर्ड करूंगा, पहले सबको अनगेयर्ड करूंगा फिर एवरेज निकालूंगा। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करूंगा, देखो ये फॉर्मूला छोटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा क्योंकि डेट बीटा दिया हुआ ही नहीं है सवाल के अंदर। अजम्पशन क्या है कि डेट बीटा 0 है, सही है। अब मैंने उठाई कंपनी ए, कंपनी ए मैंने उठाई और उसके बीटा को मैं क्या करने जा रहा हूं, अनगियर्ड करने जा रहा हूं। तो मैंने डेटा उठाया, उसका बीटा है 0.81, उसका बीटा सवाल में दिया हुआ है 0.81। तो हमने एसिड बीटा निकालने के लिए इक्विटी बीटा कितना लिया, 0.81। उसकी इक्विटी थी 75, उसका डेट था 25 और उसका टैक्स रेट कितना था कंपनी का, 30% दिया मैंने, इंसर्ट कर दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, कम आएगा ना, 0.8 से तो कम आएगा ना, 0.657। ये बन गया कंपनी ए का एसिड बीटा, सही है। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कंपनी बी का एसिड बीटा कितना आ रहा है, कंपनी सी का कितना आ रहा है, क्योंकि वो उसमें एग्जांपल में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तुम जब पढ़ोगे ना घर पे बैठ के तो उसको देख लेना, मसला नहीं होगा। कंपनी बी का हमने निकाला तो वो आया है 0.668 सेम फॉर्मूले से। कंपनी सी का निकाला तो वो आता है 0.682। तीन आ गए भाई, ये क्या करें, ये हम लोग डेट को जीरो रख रहे हैं ना। हाँ, डेट बीटा को जीरो रखा हुआ है, डेट को जीरो नहीं रखा हुआ, डेट बीटा को जीरो रखा, डेट बीटा को। ठीक, अब 3 आ गए, 3 प्रॉक्सी कंपनीज आ गई, 3 एसिड बीटा आ गए, क्या करूं, एवरेज कर लूं, एवरेज कर ले। एवरेज कैसे निकलता है, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 होगा, तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूँ, तीनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो हमारे पास एवरेज बीटा का आंसर बनता है 2 divided by 3.669. ये आ गया हमारे पास एडजस्टेड बीटा, एसिड का बीटा आ गया, एडजस्टेड एसिड बीटा आ गया, अनगियर्ड बीटा आ गया। इसमें कौन सा रिस्क मौजूद है, कोल माइनिंग कंपनी का रिस्क मौजूद है, सही है। अब इसे रीगियर्ड करना है, रीगियर्ड करना है तो मुझे अपनी गियरिंग चाहिए, सही है। जो मेरी गियरिंग दी हुई थी ना वो 30-70 की दी हुई थी। फूड प्रोसेसिंग कंपनी की जो कंपनी है उसकी गियरिंग कितनी दी हुई थी, उसकी गियरिंग दी हुई थी डेट 30% है, इक्विटी 70% है, और एसेट बीटा कितना आ गया हमारे पास 0.669, यही था ना, 0.669। अब इसे रीगियर्ड करते हैं, सही है। रीगियर्ड करने के लिए मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा लेकिन थोड़ा सा डेटा का फर्क है। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एसिड बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट 1 - t, वही फॉर्मूला है, अलग है। अब मेरे पास गिवन क्या है, 0.669, फाइंड आउट क्या करना है, ये भी सही है, इक्विटी मेरी डालूंगा मैं 70 प्लस 30 1 माइनस 30% सही है, और
इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0.769. ये पूरा आंसर बता रहा हूँ? हाँ, इसका पूरा आंसर है 0.769. पूरा आंसर बता रहे हो ना? पूरा आंसर नहीं चाहिए अभी मुझे. नहीं नहीं नहीं, खाली इसका, खाली इसका, इसका खाली इसका. सही है? तो ये हो जाएगा आपका, इधर चला जाएगा और ये इधर आ गया, तो कितना आएगा बीटा ऑफ इक्विटी? गुड, 0.870 आ गया. यस सर. अच्छा, अब इसको कैपम में डाल दो. कैपम के लिए हमारे पास जो रेट्स दिए हुए थे, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था सवाल के अंदर 4% और इक्विटी प्रीमियम दिया हुआ था 6%. आरएफ दिया हुआ था 4% और प्रीमियम दिया हुआ था 6%. प्रीमियम तो पता है ना क्या होता है? यस सर, रिस्क रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय बीटा. कितना आ गया? 0.87. तो ये आ गया प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इसके अंदर फाइनेंस रिस्क किसका? फाइनेंस रिस्क हमारा, बिजनेस रिस्क उस प्रॉक्सी कंपनी का, कोल माइनिंग, इन कोल माइनिंग का. ठीक है, ये हमारा आर्टिकल भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट का कंप्लीट हो गया. और आई होप तुम लोगों को क्लियर. चैप्टर खत्म हो गया? ये वाला चैप्टर बस आखिरी सांसें ले रहा है. बोलो, काफी लंबी नहीं हो गई एक चैप्टर में? ये एक पूरा टॉपिक है. पूरा टॉपिक है, इसमें कितने चैप्टर आए थे? इसके अंदर दो चैप्टर कवर होते हैं, इसमें एक चैप्टर थ्योरी का है और एक चैप्टर के अंदर ये सारी वैरायटी मौजूद है. बास चैप्टर ऐसे होते हैं, छोटे होते हैं, एक चैप्टर है बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं. और क्योंकि हम स्टार्टिंग पे चल रहे होते हैं ना, तो हम थोड़ा सा वैसे ही स्लो चल रहे होते हैं ताकि पहला जो टॉपिक है ना वो इतना पक्का ग्रिप में आए ना कि स्टूडेंट पैनिक ना हो गए यार मुझे काम फंसा दिया. समझ गए? ये फिजिकल क्लास में भी मैं इतना डिटेल में जाके करवाता हूँ. अब करते हैं एक पास पेपर का सवाल और देखते हैं कि जो अब तक हमने कहानियां सुनाई हैं, तुमने सुनी, मैंने सुनाई, क्या हम एक पास पेपर का सवाल कर सकते हैं? अगर कर रहे हैं तो आप तैयार हो जाएं, F9 पेपर में भी आएगा तो आराम से कर लो. अगर यहाँ हो रहा है तो पेपर में क्यों नहीं होगा. चले जी, June 2014, सही है जी? कौन सा सवाल है? सारे पास पेपर्स में आपके फोल्डर में इंशाल्लाह कल तक अपलोड कर दूंगा. ठीक है, सही है. टेक्निकल आर्टिकल्स भी मैंने कुछ डाल दिए हैं, कुछ ग्रेजुअली डल जाएंगे. जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होते जाएंगे आपको लेक्चर मिलते जाएंगे. तुम्हारा काम है सिर्फ तमीज से पढ़ना, सही है? अगर तमीज से पढ़ोगे ना तो मेरी गारंटी है फेल नहीं हो सकता. शर्त ये है कि मेरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा. चले जी, अब देखो ये सवाल है 25 नंबर का, जिसके अंदर ये जो पार्ट है ना लास्ट वाला, ये बिजनेस वैल्यूएशन का एक टॉपिक है, उसका पार्ट है. इसको तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे आज. 8 मार्क्स की थ्योरी, बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाली थ्योरी ना, बिल्कुल रटी हुई थ्योरी ना, बनाने की थ्योरी नहीं, रट्टी रटाई थ्योरी 8 नंबर की. सही है, 7 सी वाली भी तो थ्योरी है लेकिन वो इस टॉपिक से रिलेटेड है ना. सिस्टमैटिक रिस्क पूछ रहा है ना यार. अभी तो डिस्कस किया, एक घंटे से मैं तुम्हें कहानियां सुना रहा हूँ. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क इन रिलेशन टू पोर्टफोलियो थ्योरी एंड द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. अब ये जो पोर्टफोलियो थ्योरी है ना, ये अब हमारे सिलेबस में इसकी डिस्कशन नहीं है ना, ये तो यहाँ से हटा देता हूँ. ये लो, खत्म. ये टॉपिक नहीं है आप सिलेबस में? नहीं, पहले एक जमाने में था पोर्टफोलियो थ्योरी,
लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ हुआ ना, ये पोर्टफोलियो थ्योरी से ड्राइव हुआ इसी से ही है। हाँ, इसी से ही जो अभी हमने डिस्कस किया था। सवाल क्या समझेंगे? डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, बस ठीक है। कैलकुलेट बैक करना है तो पहले आप सिस्टमैटिक रिस्क की डेफिनेशन बताएं, अनसिस्टमैटिक रिस्क की डेफिनेशन बताएं, फिर उसका रिलेशनशिप बताएं और बीटा को डिस्कस करें, और वो चाहे तो हल्का फुल्का प्रोजेक्ट स्पेसिफिक की डिस्कशन कर लें, आपको 6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ये होमवर्क है तुम लोगों का, लिखना है। चले जी आगे बढ़ो, पढ़ के लिख सकते हो तुम आराम से, सवाल पढ़ते। देखो क्लास में ना, जब फिजिकल क्लास होती है तो 3-3 घंटे की क्लास होती है ना, तो अब उसका तोड़ हम ये निकालेंगे कि मंडे से ऑनवर्ड्स ना वीक में हम 4 क्लास लेंगे। ओके। क्योंकि ऑनलाइन में तुम्हारा स्टेमिना नहीं है 3 घंटे की क्लास लेने का, ऐसे मैंने 2 घंटे की क्लास रखी हुई है। मेरा पढ़ाने का स्टेमिना का कोई मसला नहीं है, तुम्हारे पढ़ने का स्टेमिना का मसला है। तो 3 क्लास ही हुई ना। हाँ, लेकिन अब हम मंडे से ऑनवर्ड्स जो ना, मंडे क्लास होगी आपकी, वेनेसडे क्लास होगी आपकी, और आपकी ट्यूसडे क्लास होगी, और अब आपकी सैटरडे क्लास होगी। ये आपको मैं बता दूंगा, मैसेज करके व्हाट्सएप पर नोट कर लेना। जहाँ मुझे लगेगा कि सिलेबस के पेस की रिक्वायरमेंट, तो मैं टाइम थोड़ा सा आगे पीछे अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे। हाँ, और ये बात ध्यान में रखो कि अभी जून वाली अटेम्प्ट जो ना, उस पर अलार्मिंग निशान बना हुआ, तलवार लटक रही है उसके ऊपर, ये बात ध्यान में रखो। लग रहा होगी सर अटेम्प्ट होगी, लग ऐसा रहा, क्योंकि उन्होंने यूके में कैंसिल किया है, जो लिखा है ना कि यूके और ब्रिटिश के चक्कर में आए थी इमेज, तो मुझे तो ये लगता है होगी अटेम्प्ट। उम्मीद तो हमें भी है कि होगी, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते क्या होता है। वरना मैसेज कर देते लोग, हम तो अपनी तैयारी पूरी रखते हैं, सही है, हम तो अपनी तैयारी बेस पे चलते रहे, सही है, सही, बिल्कुल सही। अच्छा, द इक्विटी बीटा ऑफ द कंपनी इज 0.89, कंपनी के पास 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी चल रही है 7.50, कंपनी के पास 7% का एक बॉन्ड पड़ा हुआ है जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 100 पार वैल्यू, जो कि 7 साल में रिडीम हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, ठीक है। IRR आया जहन में, IRR। हाँ। अच्छा, बॉन्ड की जो टोटल नॉमिनल वैल्यू है, पार वैल्यू टोटल वो 14 मिलियन है, इंटरेस्ट जो है वो पे किया जा चुका है, और मार्केट वैल्यू एक बॉन्ड की चल रही है 107.14। अच्छा, ये तो बेसिक डेटा हो गया, ये तो बेसिक डेटा हो। कंपनी ने प्लान किया कि वो एक प्रोजेक्ट लगाना जा रहे हैं जो कि एक डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशन में है, और उन्होंने कंपनी आइडेंटिफाई की है सेम बिजनेस सेक्टर में, उसका नाम है HEXCO, ये बन गई प्रॉक्सी कंपनी, सही है, ठीक है। उसका इक्विटी बीटा कितना है प्रॉक्सी कंपनी का? 1.2। प्रॉक्सी कंपनी की इक्विटी की वैल्यू कितनी है? 54 मिलियन। और उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है? 12 मिलियन। अच्छा, उसने रेशियो नहीं दिया, रेशियो हम निकाल सकते हैं, रेशियो की हमें जरूरत भी नहीं है, सही है, सही है। हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रेशियो भी रख सकते हैं, वैल्यू भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। आरएफ कितना दिया हुआ है? 4%। एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 11%। दोनों कंपनीज टैक्स कितना पे करती हैं? 20%, सही है। पहली रिक्वायरमेंट, करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो 7 नंबर, जो कि पहले पैराग्राफ से निकलेगी, पहले पैराग्राफ से निकलेगी, सही है। और दूसरा पैराग्राफ जो होगा ना, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, 4 मार्क्स की, यही निकालना है, सही। 11 मार्क्स की प्योर कैलकुलेशन और 6 मार्क्स की कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की थ्योरी, यानी कि 17 मार्क्स का जो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इफेक्टिव क्वेश्चन। चले स्टार्ट करें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से। आरएफ कितना है? 4%। आरएम कितना है? 11%। बीटा कितना है? बीटा आपका 0.9। बताएं। 10.3। सही है जी, 10.3 आ गया, 10.3 लिख देते हैं हम, 10.3। दो नंबर तो देगा ना एग्जाम में इसके एग्जामिनर, क्या ख्याल है? सही, ये देगा यार, ये 3 तो देना चाहिए। अच्छा, डेट जो यहाँ पर दी हुई है वो रिडीमेबल है या रिडीमेबल है? रिडीमेबल है। रिडीमेबल है, क्या लिखा हुआ है? विच विल बी रिडीम इन 7 इयर्स टाइम,
सात साल में वो रिडीम हो जाएगी, तो रिडीमेबल डेट है, रिडीमेबल डेट का कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं? आईआरआर से। आईआरआर अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड यार, पढ़ रहे हो लगता तुम। कॉलम बना लूं? बल्कि एक काम करता हूँ, अगले पेज पे बनाता हूँ, खूबसूरत सा कॉलम बनेगा। इतनी दफा आईआरआर हमने निकाला है, अगर इसमें भी कोई एग्जाम में गलती करके आ जाए उससे तो पाकिस्तान में आने नहीं देना चाहिए। इटली। आज पता है, आज से जो ना पाकिस्तान से बाहर जो लोग फंसे हुए ना, वो आना शुरू हो गए पाकिस्तान में दोबारा। और रेशो बढ़ जाएगा, क्या होगा? रेशो बढ़ेगा। रहम करे सर। बिल्कुल, अल्लाह रहम करे, अल्लाह से आफियत तलब करनी। मैंने तो सर, मैं तो देखा कि सिंध में ना, सिंध में कम हो गया, मतलब 440 केसेस ही चल रहे आज तो। पंजाब में बढ़ गए। पंजाब वाले ने इतनी तदाबीर इस्तेमाल नहीं करी। यानी इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं किया ना, जो कह रहे थे वो करी का है, बाद में तो सब शुरू किया इन्होंने। हां, पब्लिक की लापरवाही है यार, क्या कर सकते हैं। सिंध में ये सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल पहले से प्रोएक्टिव अप्रोच शुरू कर दी थी। सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव चल रही है सिंध गवर्नमेंट, सबसे एक्टिव, सबसे ज्यादा एक्टिव। अच्छा भाइयों, ये मैंने काम किया, आपकी समझ में आया? यस सर। इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक है। इंटरेस्ट निकाल लिया, आफ्टर टैक्स रेट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स निकाल लिया, इमीडिएटली कर लिया, ठीक है, ताकि आसानी रहे। मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? 107.14। इंटरेस्ट आ गया आफ्टर टैक्स 5.6। रिडीम किसके ऊपर होगा? रिडीम इसने कहा था नॉमिनल वैल्यू पर होगा, 100 पर होगा, सही है। कूपन रेट कितना है? 7% ना जी। पहला रेट लगाते हैं 5%, सही है भाइयों? 5% के ऊपर अगर ये टैक्स सर, ये इंटरेस्ट तो 6.8 आ रहा है। क्या चीज? ये 6.8 आ रहा है। 6.8 कैसे आएगा? 87 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 आएगा। अच्छा, सही है। 1.2। अच्छा, मैंने डायरेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई किया 1-0.2। सही है ना, 5.6 तो आ रहा है, सही है, सही है, सही है। अच्छा जी, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूं अगर, तो वैल्यू हमारे पास बनती है 71.1 और 32 समथिंग, 71.1, 32.40, 4016, सही है। और इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जब हम निकालेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बनती है नेगेटिव आएगी। यस सर, 3.64 नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो एग्जाम में तुम 3% पे ले जाना, इससे नीचे नहीं गिरेगा। मैं 4% पे ले रहा हूँ। 4% के ऊपर मैंने एन्युटी फैक्टर निकाला तो 4% पे आता है 6.002। और पीवी फैक्टर निकाला 4% पे तो वो आता है 0.760। तो ये हो गया 76, ये हो गया 107.14 और 33.61 आएगा। अब इसको नेट ऑफ करो, 76 2.47 आ गई पॉजिटिव वैल्यू, सही। यस सर, आईआरआर का फॉर्मूला लगाएं। कौन सा रेट है? 4% प्लस 2.47 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय 1%। सॉल्व कर लें इसको। आपका जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए 4.4% आ गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट। यस सर, कॉस्ट ऑफ डेट आ गई 4.4%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई 10.3%, सही है।
अच्छा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, एक की शेयर प्राइस कितनी है 750, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट तो पार वैल्यू दी हुई है 14 मिलियन, इसको 100 से डिवाइड करो और 107.14 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 15 आ गया 15 मिलियन, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू हो गई 750 प्लस 15 765, ठीक है, सही है जी। अब वैक का फॉर्मूला लगा देते हैं, वैक का फॉर्मूला लगाएं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10.3, सर राउंड ऑफ करने कोई मसला तो नहीं है, डेट वन ना डेट की वैल्यू आ रही है 0.996 आ रही है, हाँ हाँ मसला नहीं है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, इतनी छोटी मोटी राउंडिंग ऑफ करने में आप जरा सा भी ना हिचकिचाएं, ठीक है, प्रैक्टिकली हिचकिचाना चाहिए, वैसे ना हिचकिचाएं, मतलब ये अजम्पशन में पूछो ना एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में चल जाती है, एग्जाम में चल जाती है, इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी सही है, ये हमारा तीसरा या चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है, एम आई राइट, यस सर, अब बाकी दूंगा तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए, 3 से 4 सवाल, अगर अच्छे से बच्चों की तरह करोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एग्जाम में कोई टेंशन नहीं होने वाली, 10.18 WACC, इसको मैं कहता हूं ये एग्जिस्टिंग WACC है, यस सर, सही है, और इस एग्जिस्टिंग WACC को हम कहां इस्तेमाल करते हैं, इसकी थ्योरी मैंने आज पढ़ाई है, ये तो सर यार एग्जाम में आ चुकी है कि एग्जिस्टिंग WACC कहां इस्तेमाल करते हैं और कहां इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो सेम प्रोजेक्ट होगा सेम उसके, हां बिजनेस रिस्क सेम होना चाहिए, फाइनेंस रिस्क सेम होना चाहिए, तो फिर आप कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते, अब इसमें देखें अगला पैराग्राफ में वो क्या करने जा रहे हैं, अगले पैराग्राफ में वो कह रहा है कि हम एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जो कि डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर है, ताबानीज फूड प्रोसेसिंग में जा रहा है, ये बात ध्यान में रखें हम, और एक प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई की, प्रॉक्सी का डेटा लिख लेते हैं, प्रॉक्सी कंपनी का डेटा क्या है, इक्विटी बीटा है 1.2, प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई की, उसका इक्विटी बीटा आइडेंटिफाई किया 1.2, उसकी इक्विटी है 54 मिलियन की और डेट है 12 मिलियन की, उसकी इक्विटी है 54 मिलियन की और उसकी डेट है 12 मिलियन की, ये वो एग्जाम्पल बन गई जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, क्या करेंगे पहला काम, इसको अनगियर्ड करेंगे, सही है, फॉर्मूला छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला लेंगे, अच्छा टैक्स का क्या रेट था सर इसमें, 20% फॉर्मूला छोटा वाला इसलिए कि उसने डेटा डेट का बीटा दिया ही नहीं, अजम्पशन क्या चल रही है कि जीरो है, चले जी एसेट बीटा निकाल के दें 1.01, ये आ गया आपका एसेट बीटा, सही जी, सही, क्या करूं अब बताओ आगे, सर इसको फॉर्मूला में डाल दे, सीएपीएम में डाल दे, रीगियर करना पड़ेगा, पहले तो रीगियर कर ले, फिर सीएपीएम में डालूंगा, रीगियर होगा ना पहले, रीगियर करने के लिए यही इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, यस सर, लेकिन डेटा ऑल्टर करेंगे अब, एसेट बीटा यहां रखूं, यस 1.01,
वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट अपनी इस्तेमाल करूं, जो ऊपर अभी निकाली थी कितनी थी, 0.894 हमारी अपनी इक्विटी और डेट कितना था, मार्केट वैल्यू 15 थी और 15 मिलियन डेट की थी और जो उससे ऊपर थी इक्विटी की मेरे ज्यादा थी 7, इक्विटी कितना आ रहा था 750 यार, एक सेकंड, मुझे लग रहा है एक छोटी सी गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में, ये जो आंसर निकाला है इक्विटी का ये 750 आएगा, 75 आएगा, 75 आएगा, 75, अरे यार ले जी चलो खैर, 75 प्लस ये आपका क्या 9.8% आएगा, इसको ऑल्टर कर लेना ना, सही है 90 सही है, कोई मसला तो नहीं है ना, ठीक है ये ऑल्टर कर लेना इसको, 9 पॉइंट कितना बता रहे हो ये, पास सॉरी वो आ रहा है 8.62, चलो कर लेना, मैं इसमें फिगर इंसर्ट कर देता हूँ, अलग हटा देता हूँ, आप उसको देख लेना, यह आ रहा है 8.62, यहाँ पर 15 डाल दिया, यहाँ पर 90 डाल दिया और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, वॉट एवर जो भी आ रहा होगा इसको हमने ब्लैंक कर, आगे बढ़, यहाँ मुझे लेना था तो यहाँ पर मैंने इक्विटी कितनी डाली, यहाँ 15 डाली, 1 माइनस 0.2 20%, अब इक्विटी बीटा निकाल लेते हैं इसका 0.862, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, नहीं नहीं फाइनल लिखा है, अभी उसकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ जो फाइनल बताओ, वो तो डिवाइड करेंगे ना, अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं ना, ये आपका आ गया डिवाइड करके अगर इसी 1.01 से करते तो 8.862 नहीं ज्यादा आएगा यार, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना 1.01 से, हां ना, अच्छा फिर आ रहा है 0.870 853 आ रहा है 0.853 नहीं तो 0.870 आ रहा है, इसका आंसर आएगा 1.182 0.8 plus 75, पहले इसको सॉल्व करो पूरे को और उठा के 1.01 से डिवाइड करो, अच्छा डिवाइड करना है, ठीक है सर हो गया, अब क्या करें, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में इंसर्ट कर देते हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%, 11 माइनस 4% 1.182 12.274 उसने हमसे यही पूछा था ना कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, यस सर 12.3 अप्रोक्सीमेट, यस सर, अच्छा ये जो आंसर आ रहा है ना, ये वाला जो आंसर है ना, ये आपने जो थोड़ा सा अल्टर किया हमने, ये बनेगा रफली 9.3%, इसको आप चेक कर लेना, सही है भाई, तो वैक आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई और सी पार्ट में दे रहा हूँ तुम लोगों को डिस्कशन का लिखने के लिए, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क का क्या डिफरेंस है, क्या इम्प्लीकेशन है, ताकि पूरा एक पूरा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, पहले वो आर्टिकल पढ़ लेना आज वाला, उसके बाद आंसर करना इसको, तो आराम से फिर आप चेक कर लेंगे, हाँ बिल्कुल यार, आप मुझे भेजोगे देखो, नहीं चेक करूंगा, हम तो इंतजार करते हैं कि कोई लिखे तो सही, अच्छा पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, अच्छा एक चीज और है, एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसके अंदर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की अजम्पशन, एडवांटेजेस और लिमिटेशन, मैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि थ्योरी में तुम्हारे हाल पे छोड़ूं, पहले मैं एक हल्का सा स्लाइटली डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारे हाल पे छोड़ूंगा, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ एक अजम्पशन डिस्कस की है, दो तीन अजम्पशन और हैं इसकी, तो एक और आर्टिकल है, वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिकल, ये देखें जी, थाउजेंड कॉइंस इसके, सही, ये भी आपको पढ़ना है, अगर पढ़ लोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आर्टिकल है, जबरदस्त आर्टिकल,
मैं चीजें हाईलाइट कर देता हूँ शॉर्टकट में। ये तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला आ गया, सही है? ये फॉर्मूला किसने ड्राइव किया, ये उसका नाम आ गया, कब ड्राइव किया, ये नाम आ गया। फिर तुम्हें एक पते की बात बताऊं, ये जो विलियम शार्प है ना, इसको ये फॉर्मूला इन्वेंट करने के ऊपर नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। अब बात कर लेते हैं अजम्पशंस की। द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड। अच्छा, क्रिटिसाइज होने के बावजूद इससे अच्छा मॉडल दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। क्रिटिसिज्म क्या है कि ये अनरियलिस्टिक है बिकॉज ऑफ द अजम्पशन ऑन विच इट इज बेस्ड। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दीज अजम्पशंस एज द रीजन व्हाई दे आर क्रिटिसाइज्ड। हर अजम्पशन इसकी बेकार नहीं है, कुछ अजम्पशन इसकी ऐसी हैं जिनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, यार ये अजम्पशन प्रैक्टिकली रियलिस्टिक अजम्पशन नहीं है, सही है? अच्छा, पहली अजम्पशन जो इन्होंने ली, पहली अजम्पशन क्या है? इन्वेस्टर के पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मौजूद होता है। दूसरी अजम्पशन क्या है? सिंगल पीरियड ट्रांजेक्शन होरिजोन। तीसरी अजम्पशन क्या है? इन्वेस्टर कैन बोरो एंड लैंड एट द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। चौथी अजम्पशन क्या है? परफेक्ट कैपिटल मार्केट। अच्छा, अब ये जो अजम्पशन है ना, इन अजम्पशन के पीछे पूरी पूरी कहानियां हैं, पूरे पूरे टॉपिक्स, पूरे पूरे मसले हैं, इसलिए अजम्पशंस का इमीडिएटली समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। फिर भी आई विल ट्राई के अजम्पशंस तुम्हें क्लियर हो जाएं और आपको पता होना चाहिए अजम्पशंस क्या हैं। चारों अजम्पशंस याद होनी चाहिए। पहली अजम्पशंस तो हमने बात कर ली, पहली अजम्पशंस की इम्प्लीकेशन क्या है? कि सिस्टमेटिक रिस्क मौजूद है और अनसिस्टमेटिक रिस्क कहाँ है, कहाँ गए अनसिस्टमेटिक रिस्क? अनसिस्टमेटिक रिस्क इलिमिनेट हो गया। ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो आपको रिटर्न निकाल के देगा, वो रिटर्न अंडर स्टेट हुआ होगा। ओके, सही है? अनसिस्टमैटिक रिस्क को इग्नोर किया होगा। यस, ठीक है। अच्छा, दूसरी अजम्पशन क्या है? सिंगल पीरियड ट्रांजेक्शन होरिजोन। देखो, जब इन्वेस्टर्स आपस में किसी भी सिक्योरिटीज के रिटर्न को कंपेयर करते ना, तो वो क्या करते हैं, वो एक अजम्पशन ले लेते हैं कि तमाम सिक्योरिटी का रिटर्न एनुअलाइज्ड पीरियड के ऊपर हो रहा है, एक सिंगल पीरियड को ले लेते हैं ताकि कंपेयर किया जा सके। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में जो उन्होंने अजम्पशन ली हुई है कि जो स्टैंडर्ड पीरियड हम कैलकुलेट करते ना रिटर्न कैलकुलेट करने का, वो है साल के 12 महीने, यानी कि एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न हम लेते हैं। ये कोई बुरी अजम्पशन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर नॉर्मली जो उसको रिटर्न बताया जाता है, वो नॉर्मली क्या बताया जाता है कि एक साल में कंपनी कितना रिटर्न देगी। अब मैंने इसको हाईलाइट कर दिया तुम्हारे पढ़ने के लिए, देखो जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये कोई इतनी बुरी अजम्पशन नहीं है, क्योंकि रिटर्न इज नॉर्मली कोटेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वन ईयर, ठीक है? अच्छा, तीसरी अजम्पशन पे आ जाते हैं। तीसरी अजम्पशन क्या है? इन्वेस्टर बोरो भी कर सकता है और लैंड भी करेगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। ये जो लाइन है, समझ में आ रही है तुम लोगों को? जरा थोड़ा सा इस पे नजर डालो। ये लाइन समझ में आ रही है? Yes, sir. मैं बना देता हूँ, चलो इसको मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। ये मैंने यहां से शुरू क्यों किया? मतलब ये बनना चाहता है कि मिनिमम रिस्क बेयर करता है वो, क्योंकि अगर रिस्क जीरो हो ना, तो आपको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलता है जीरो रिस्क के ऊपर। यानी कि एक शख्स अगर कोई भी रिस्क ना ले तो उसको एटलीस्ट कितना रिटर्न मिलेगा?
लेकिन जैसे जैसे वो रिस्क बढ़ाएगा रेट ऑफ रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाएगा. Yes, और रेट ऑफ रिटर्न कहां जाके आरएम के बराबर होगा? अगर बीटा, अगर बीटा वन के बराबर हो जाए तो कितना रेट ऑफ रिटर्न होगा? बराबर होगा. और अगर बीटा में वन से बढ़ा, अगर मैं बीटा वन से बढ़ा दूं तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हायर हो जाएगा? हायर होगा. सही है. Yes, अब इन कीपिंग इन माइंड ये जो अजम्पशन है रिस्क फ्री वाली, ये अजम्पशन क्या कह रहा है वो, देयर इज एन अजम्पशन मेड बाय पोर्टफोलियो थ्योरी फ्रॉम व्हिच द कैपएम वाज डेवलप्ड एंड प्रोवाइड्स अ मिनिमम लेवल ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर. द रिस्क फ्री रेट correspond to the intersection of the security market line and the y-axis is a graphical representation of the CAPM formula. क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इन्वेस्टर रिस्क फ्री रेट पे लोन भी दे रहा हो और बोरो भी कर सकता हो? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो हम कहेंगे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है पॉसिबल? हर सिनेरियो में नहीं है ना सर, लोग कह सकते हैं. भाई देखो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी इशू करती है ना, तो गवर्नमेंट वाकई रिस्क फ्री हो सकती है. गवर्नमेंट के पास पोटेंशियल होता है, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, बहुत सारे मसले होते हैं. इंडिविजुअल के पास तो ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो रिस्क फ्री जो है ना वो बोरो कर सके. सही है. तो इसकी इम्प्लीकेशन पता क्या होगी कि अगर इन्वेस्टर की एबिलिटी नहीं है रिस्क फ्री रेट के ऊपर लोन लेने की, तो जो हमारी लाइन बनेगी वो लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी. बस इतनी सी इम्प्लीकेशन है, आगे पीछे हो जाएगी थोड़ी सी. चौथी अजम्पशन जो कि एक पूरा हमारा एक टॉपिक है परफेक्ट कैपिटल मार्केट का, उससे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट क्या होती है. स्टॉक मार्केट जो होती है ना, कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट को कहते हैं, वो परफेक्ट होती है? हम कहेंगे नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती, नियर परफेक्ट होती. अगर एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट चाहिए मुझे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? टैक्सेस नहीं होने चाहिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होने चाहिए, इंफॉर्मेशन सबके पास फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए, सबकी एक्सपेक्टेशन चेंज होनी चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए. क्या ये पॉसिबल है कि दुनिया की किसी भी मार्केट में? तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जिसने डेवलप किया, उसने ये अजम्पशन लेके डेवलप किया कि एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट मौजूद हो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टर बोरो और लैंड कर सकता है रिस्क फ्री पर, एनुअलाइज होल्डिंग पीरियड है, तब जाके ये मॉडल एप्लीकेबल हुआ है. तो जब ये अजम्पशन वैलिड नहीं होंगी या नियर टू परफेक्ट नहीं होंगी, तो जो रिटर्न प्रोवाइड किया जा रहा होगा वो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न के कंपेरेबल नहीं आए. सही है? सही. अच्छा किसी ने मुझसे पूछा था एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. मुझे रिमाइंड करा देना कि हम उसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ के एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है. सही है. अब देखो आज हमने एक चीज डिस्कस की थी ना कि एग्जिस्टिंग वैक यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो यहां से एक दफा पढ़ लेना. ये पूरा आंसर दिया हुआ है कब आप एग्जिस्टिंग वैक यूज कर सकते हैं. चार पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं. सही है, जो मैंने चार पॉइंट्स क्लियर किए थे सही वो यहाँ पर लिखे हैं. सही है. अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फायदा और नुकसान. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल अवेलेबल इन ऑर्डर टू क्रिएट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट The cost of equity. So capital asset pricing model के कुछ advantages. सही है? The CAPM has several advantages over other methods, explaining why it has remained popular for more than 40 years. Why it consider only systematic risk, reflecting a reality in which most investors have diversified portfolio from which unsystematic risk has been essentially eliminated. क्योंकि प्रैक्टिकली लोग सिस्टमेटिक रिस्क पे फोकस करते हैं, अनसिस्टमेटिक पे फोकस नहीं करते. दूसरा फायदा क्या है,
इट जनरेट्स अ थ्योरेटिकली ड्राइव्ड रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क विच हैज बीन सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट एम्पिरिकल रिसर्च एंड टेस्टिंग. ये जो रिलेशनशिप है ना कि रिस्क बढ़ता है तो रेट ऑफ रिटर्न, ये थ्योरेटिकली एकेडमिकली प्रूव्ड बात है, रिसर्च की हुई है कि अगर वाकई रिस्क बढ़ता है तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता है. इसका मतलब है इस मॉडल के पीछे एक साउंड बैकग्राउंड है एकेडमिक रिसर्च का, जो कि इस मॉडल को थोड़ा सा वर्थ वाइल बना देता है. सही है. तीसरा फायदा, अगर हम कंपेयर करें इसको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से, तो ये एक्सप्लिसिटली कंसिडर करता है सिस्टमेटिक रिस्क को, वाइल डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल तो रिस्क को कंसिडर ही नहीं करता. सही है. दूसरा ये है कि ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करता है अगर रिस्क प्रोफाइल ऑल्टर हो तो. सही है कि हमें नए प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने में भी हेल्प कर देता है, जो कि दूसरे मॉडल नहीं करता. सही है जी. अब इसकी जो लिमिटेशंस है ना, लिमिटेशंस, वो लिमिटेशन दो तरह की लिमिटेशंस है. एक तो लिमिटेशन आ गई अजम्पशंस के, अजम्पशन रियलिस्टिक नहीं है. जो दूसरी लिमिटेशन है वो बेस करती है इसकी फॉर्मूले में यूज होने वाले वेरिएबल्स की. तीन वेरिएबल इस्तेमाल हुए हमने, तीन वेरिएबल इस्तेमाल किए. एक वेरिएबल इस्तेमाल किया है आरएफ, दूसरा वेरिएबल इस्तेमाल किया है आरएम, और तीसरा वेरिएबल इस्तेमाल किया है हमने बीटा फैक्टर. तो एक तो अजम्पशन की लिमिटेशन है जो हमने बात की. सही है. अजम्पशन क्या है, ये चार अजम्पशन और डेड बीटा जीरो होता है, वो भी हमने एक अजम्पशन इस्तेमाल की थी. सही है. तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप रीड आउट कर ले, अगर मैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट निकालूं कैपएम इस्तेमाल करते हुए और डेट बीटा को जीरो एज्यूम करूं, तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट इनएक्यूरेट हो सकता है, सही आंसर नहीं देगा. एक तो ये मसला जो सिंपली आइडेंटिफाई हो रहा है. जब हम आरएफ लेते हैं ना, तो आरएफ कैलकुलेट करते हुए हम क्या अजम्पशन ले रहे होते हैं? आरएफ कहां से आता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से. सही है. लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी 100% रिस्क फ्री नहीं होती, बल्कि उसका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा होता है. सही है. राइट. अच्छा, फिर हमारे पास ये जो बीटा फैक्टर आता है ना, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ बीटा कहाँ से आता है. देखो बीटा की मैं तुम्हें कहानी सुना, बीटा कहाँ से आता है. बीटा हमारे एग्जाम में तो कैलकुलेट नहीं करना, बीटा हमारे सिलेबस में गिवन होता है. लेकिन बीटा फैक्टर जो होता है वो हिस्टोरिकल डेटा से कैलकुलेट किया जाता है. क्या करते हैं हम, कोरिलेशन अप्लाई करते हैं. कोरिलेशन पढ़ा है कभी? यस सर. इसके ऊपर कंपनी के रिटर्न और स्टॉक मार्केट के एवरेज रिटर्न के ऊपर, इसके दरमियान कोरिलेशन अप्लाई करते हैं और उस कोरिलेशन के प्रोसेस से बीटा फैक्टर आइडेंटिफाई होता है हिस्टोरिकल डेटा से. और उस हिस्टोरिकल डेटा से जो बीटा आइडेंटिफाई करते हैं, उस बीटा को हम फ्यूचर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो ये ज्यादा अनरियलिस्टिक बात नहीं है कि पास्ट रिप्रेजेंट फ्यूचर. अगर टाइम पीरियड पास्ट डेटा का हमने बहुत शॉर्ट रखा, तो ऐसा हो सकता है कि आपने जो बीटा निकाला वो कंपनी के सिस्टमेटिक रिस्क को करेक्टली रिफ्लेक्ट ना कर रहा. सही है. ये एक लिमिटेशन है, बड़ी लिमिटेशन है. सही. अब मैं आप लोगों को एक तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट वाला आर्टिकल दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, और एक ये आर्टिकल दे रहा हूँ जिसको आधे से ज्यादा मेजोरिटी मैंने पढ़ा दिया. ठीक है. ये दोनों आर्टिकल पढ़ लो, थ्योरी जबरदस्त हो जाएगी तुम्हारी. कैलकुलेशन हमने नियर परफेक्ट कर ली, तीन चार प्रैक्टिस क्वेश्चन और करने तो मैं दूंगा होमवर्क करने के लिए. हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन विथ थ्योरी डॉट डन. ठीक है.